क्रिकेट भी अजीब खेले, वो जो बेहतरीन खेल रहे थे एक गलती की और फिर आउट होकर पवेलियन चले गए, लेकिन वो जो डर डर कर खेल रहा था और बार बार गलती कर रहा था वह शतक ठोक गया। आलम यह था कि एक बार तो अंपायर ने बाधा आउट भी दे दिया था, लेकिन वो रिव्यू पर बच गए और उन्होंने शतक ठोका है। यहाँ हम बात कर रहे हैं श्रेयस अय्यर की, जो दोनों पारियों में ठोस खेलते दिखे लेकिन एक गलती पर वो पवेलियन लौट गए। वही गिल जब शुरुआत में पगवाधा आउट हुए तो रिव्यू में पता चला कि गेंद उसके बल्ले की अंदरूनी किनारा पेड़ पर लगने से पहले छू गई थी। और इतना ही नहीं, अगले ओवर में जेम्स एंडरसन की गेंद पर पगवाधा की जोरदार अपील पर अंपायर ने गिल को आउट ही नहीं दिया, जबकि रिव्यू लेने पर साफ हुआ कि गेंद बल्ले को छूकर निकल रही थी। लगातार ये दूसरी बार गिल को अंपायर काल ने बचा लिया था। भाग्य के क्रिकेट में कितना महत्व है ये गिल की पारी को देखकर पता चल जाता है। आज अगर गिल को भाग्य साथ नहीं दिया होता तो वह टेस्ट से बाहर भी हो सकते थे। श्रेयस अय्यर को आज भाग्य का साथ नहीं मिला और एक ही बार में वो आउट हो गए, जबकि गिल दो बार भाग्य के सहारे बच गए। इन दोनों मौक़ों का फ़ायदा सुमन गिल ने शानदार तरीके से उठाया। सुमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में अपना तीसरा शतक ठोक दिया है और इस शतक के साथ ही सुमन गिल की जगह आने वाले तीन टेस्ट मैचों के लिए फिक्स हो गई है। सभी क्रिकेटरों के जीवन में खराब दौर आता है, लेकिन खराब दौर में जिस तरह का सहयोग और समर्थन गिल को मिला, अगर वैसे समर्थन और सहयोग पृथ्वी शाह करुण नायर को मिला होता तो आज वह भी महानायक की ओर बढ़ चले होते। भाग्य के सहारे ही क्यों ना हो, लेकिन सुमन गिल ने शतक ठोककर आलोचनाओं को थोड़े समय के लिए शांत जरूर कर दिया है। सुमन गिल ने मौके का फायदा उठाकर भरपूर शतक ठोका, शानदार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शतक ठोका, जिससे सभी भारतीय प्रेमियों को बहुत सुमन गिल पर नाज होने लगा है। सभी भारतीय समर्थक कहने लगे हैं कि आने वाले समय में सुमन गिल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने में माहिर हो सकते हैं, जो ओडीआई क्रिकेट में भी अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं और टेस्ट में भी उसका जलवा बरकरार रहेगा। और रही बात T20 वर्ल्ड कप की, तो वो अभी कहना मुश्किल है कि सुमन गिल क्या प्रदर्शन करने वाले हैं, T20 वर्ल्ड कप में उसको जगह मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है ये अभी नहीं बता सकते, क्योंकि सुमन गिल से आगे अभी यशस्वी जायसवाल, जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं हर फॉर्मेट में, वो अभी सुमन गिल से ज़्यादा फिक्स नज़र आ रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए। अब इसके बाद लगातार तीन मैचों का टेस्ट है, उसके बाद पता चलेगा कि कौन सा बल्लेबाज सेट है T20 वर्ल्ड कप के लिए, या सुमन गिल या यशस्वी जायसवाल। सुमन गिल स्टार्टअप धीरे धीरे करते हैं, उसके बाद गियर चेंज करते हैं, लेकिन यशस्वी जायसवाल आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगते हैं, आक्रामक चौके और छक्के जड़ने लगते हैं, जिससे विपक्षी टीम पर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है शुरू से ही। ये सबको यशस्वी जायसवाल के ही ओपनर बल्लेबाज के तौर पर सबसे सफल समझ रहे हैं अभी के दौर पर युवा खिलाड़ियों के दौरे पर। फिर जो भी हो, सुमन गिल ने शतक ठोककर साबित कर दिया कि वो ऐसे ही नहीं जाने जाते हैं। धन्यवाद।